हेलो गाइस, सो हनी सिंह के एल्बम का ये फर्स्ट रिव्यू होगा मेरा। अगर ये अच्छा चला तो और भी रिव्यू करूँगा, क्योंकि मैं बहुत कंज्यूम करता हूँ सॉन्ग्स एंड ऑल। सो सपोर्ट करना इफ़ यू लाइक माई रिव्यू। सो आज हम लोग करेंगे इस एल्बम का रिव्यू। मैं आपको बताता हूँ क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। सो इट्स स्टार्ट। सो गाइस, अभी जस्ट पूरा एल्बम ख़त्म किया मैंने। मतलब मैं आपको बताता हूँ, अरे ये क्या बैक क्यों नहीं हो रहा है यार, कॉपीराइट आ जाएगा यार, पॉज हो जा भाई। हाँ, सो अभी आपको बताता हूँ, ये मिलेनियर से स्टार्ट करते हैं। मिलेनियर तो ठीक ठाक है, मिलेनियर की वीडियो इज़ गुड, बट यू नो नहीं यार, नहीं लगा। फिर ये जट महकमा भी मतलब नहीं, पसंद नहीं आया। हाई ऑन मी भी नहीं पसंद आया। फक देम भी नहीं पसंद आया। बोनीता थोड़ा थोड़ा ठीक ठाक है, बोनीता मतलब इतना भी कुछ ये नहीं है। हाई रेड भी नहीं। मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कौन सा अच्छा लगा। दो तीन सॉन्ग्स मस्त है उसमें, और थोड़ी थोड़ी कानिए की भी वाइब्स है उसमें। एक सॉन्ग में आपको बताता हूँ लास्ट में, वेट करो। फिर हाई रेड माला माल भी ओके ही है यार। राउंड एंड राउंड भी मतलब वाइब नहीं आ रही यार, हनी सिंह वाली वाइब नहीं आ रही है उसमें। और लापता भी फीचरिंग PHO, आई डोंट नो हु इज़ PHO, बट पता नहीं यार, अजीब सॉन्ग है। पता नहीं यार हनी भाई क्या हो गया है। फिर लापता के बाद आते हैं पायल, जो फीचरिंग कर रहा है पैराडॉक्स को। और वो सॉन्ग जब पैराडॉक्स का ये वर्ड्स चालू होता है ना, तो डूड पैराडॉक्स ने मतलब खा लिया है हनी सिंह को, ऐसा लग रहा है। मस्त लग रहा है। और पैराडॉक्स जब स्टार्ट करता है, उसका वर्ड स्टार्ट होता है ना, ऐसा लग रहा है हनी सिंह ही गा रहा है। पता नहीं उसका वॉइस सिमिलर लग रहा है हनी सिंह से, बट पैराडॉक्स भाई छा गया तू भाई, जबरदस्त। और ये कैलियंते भी मतलब ठीक ठाक है, एक बार अभी सुन लिया फॉर सेक ऑफ द रिव्यू, बट नहीं सुन सकता मैं वापस। 6 PM भी बकवास गाना है। मजनू मजनू भी मतलब बकवास है। सिर्फ मुझे पायल अच्छा लगा बिकॉज ऑफ पैराडॉक्स, और बाकी सब क्या है ये शीशे वाली चुन्नी भी मतलब नहीं, याद ही नहीं है मुझे वो गाना, मतलब अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं है। और ये शमान दे वेले वो भी नहीं। और बीबा, हाँ ये बीबा एक अच्छा मतलब स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है बीबा में, बेस बहुत तगड़ा है। अगर आप बेस लवर हो लाइक मी, मुझे बेस बहुत पसंद है, सिस्टम पे सुनता हूँ अभी। देखो ये इसका बेस बहुत ज़बरदस्त है, सॉन्ग का हिला देता है बीबा, थोड़ा डीप बेस है उसमें। और छोरी भी मतलब जो पैराडॉक्स का मतलब नहीं नहीं यार, नहीं वाइब नहीं है छोरी में भी। भले पैराडॉक्स फीचरिंग पैराडॉक्स का है ये वाला, बट नहीं यार नहीं जमा। मतलब उसका ये पायल ज़बरदस्त है गाइज। पायल जब पैराडॉक्स का स्पेशली रैप स्टार्ट होता है ना, तो छा गया है भाई वो मस्त। और बीबा, बीबा का बेस और रैप गॉड का ये रैप गॉड का जब मतलब स्टार्ट होता है ना, तो कानिए वेस्ट थोड़ा थोड़ा जब सॉन्ग स्टार्ट ही होता है तो फुल कानिए कानिए के सॉन्ग की फीलिंग देता है, पता नहीं क्यों। अरे यार मज़ा आ गया कानिए वाले वर्स में। बाकी जब कानिए वाला जो जो कानिए जैसा फील होता है गाना, वो ख़त्म होने के बाद रैप गॉड भी ठंडा पड़ जाता है। सिर्फ एक ही गाना सही है उसमें, पायल, दैट्स इट, बाकी कुछ नहीं। बाकी कुछ अच्छा नहीं है। लाइक मैं इतने दिनों से वेट कर रहा था, कुछ उन्होंने मतलब हनी भाई ने कुछ ड्रॉप किया था एक आध वीक पहले, तब से एक्साइटेड हूँ कि हनी सिंह का कुछ अच्छा आ रहा है। आई एम डिसअपॉइंटेड हनी भाई, आई एम सॉरी, बट रैप गॉड, रैप गॉड का वो फर्स्ट जब स्टार्ट होता है ना, एक कुछ सेकंड्स कानिए जैसा वाइब आ रहा है उसमें, वो बहुत अच्छा लगा। और पायल, पायल और जब पैराडॉक्स का होता है ना, ओ माई गॉड, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। आई मीन पैराडॉक्स ओवर शैडो कर दिया हनी सिंह के वॉइस को, आई गेस। सो दिस वॉज माई नो रिव्यू ऑफ ग्लोरी फीचरिंग ऑल दिस आर्टिस्ट। हनी सिंह भाई अच्छा लेके आया यार अपना देसी कलाकार टाइप्स। हाँ ठीक है, फिर मेरा अगर रिव्यू आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और थोड़ा सा यूट्यूब
अब कमेंट करोगे तो यूट्यूब इसको थोड़ा और लोगों तक पहुंचा देता है, वीडियो को हेल्पफुल हो जाता है। और आगे ऐसा ही रिव्यू चाहिए होगा सॉन्ग्स का तो वो भी बता देना, ये अगर वीडियो अच्छी चली तो फिर मैं और भी मतलब सॉन्ग्स एंड ऑल के रिव्यू करूँगा मेरे मतलब जो भी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।